मायने में, राजनीतिक मायने में अगर पूछते हैं तो एनडीए में अभी कुछ गड़बड़ नहीं है, और एनडीए में आपसी समझदारी, सहमति सब बरकरार है। एनडीए में कोई भी न दिक्कत है, न दरार है, न कोई कठिनाई है। सबको मालूम है, बिहार के लोग जानते हैं, जो हम लोगों के पार्टी में कुछ बात इधर कुछ गतिविधियां ऐसी हुई हैं जो पार्टी के जैसे एक बड़े नेता पार्टी से बाहर चले गए हैं और तरह तरह की बातें आ रही हैं, तो इन सब परिस्थितियों पर बात करने के लिए जो विधायकों की या वरीय नेताओं की बैठक निर्धारित की गई है, जो कल परसों में होगी, उसी में राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। और कोई भी बात, कोई भी निर्णय या किसी भी चीज़ का फैसला तो पार्टी के सारे लोगों से विमर्श करके ही होता है। वही जनता दल यू की प्रक्रिया रही है और वही परंपरा रही है। तो इसलिए अभी एनडीए में कोई दिक्कत नहीं है। जदयू में जरूर कुछ घटनाएं हुई हैं जिस पर विमर्श करने के लिए जो विधायक हैं या सांसद हैं या वरीय नेता हैं उन लोगों को बुलाया गया है। नहीं, अभी सरकार की सेहत की बात कहाँ है, अभी तो सरकार चल रही है। और हमने कहा कि जदयू में कुछ बातें घटी हैं, हुई हैं, उस पर विमर्श और विश्लेषण के लिए बैठक बुलाई गई है। अब उसके उसमें क्या क्या बातें आती हैं, उसके क्या क्या राजनीतिक मायने निकलते हैं, उसके बाद दल के सारे वरीय लोग बैठ के फैसला लेंगे। तो क्या उसके बाद एनडीए पर भी चर्चा हो सकती है और इस बैठक में? चर्चा कोई निर्धारित तो सिर्फ एक विषय है जो हम कह रहे हैं आपको, लेकिन अब वहाँ पर जितनी बातें आएंगी चर्चा तो सब पर होगी। वैसे निर्धारित विषय एक ही है, जो एक वरीय नेता दल छोड़ के गए हैं, जिन लोगों का संबंध उनसे रहा है या जिन लोगों की जो बातें उनके साथ हुई हैं, जो संवाद हुआ था या हो रहा है, उन सब की चर्चा करके जो पार्टी हित में फैसला होगा, पार्टी को मजबूत करने के लिए, वो पार्टी लेगी। बिल्कुल, बीजेपी के नेता, वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ मंत्री लगातार हम लोग संपर्क में है। कल शाम में भी सब लोगों से बात हुई थी, आज सुबह भी बात हुई है, अभी जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में भी वरिष्ठ दोनों नेता, उप मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी सब लोग थे और सब लोगों से बात हुई है। ये जो अभी की वर्तमान स्थिति है, जो माहौल दिख रहा है, उसके संबंध में बड़ी स्पष्टता से और समझदारी से बात हुई है, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है।